सब्सक्राइब कीजिए रोम्बस रोहित चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट व्लॉग सबसे पहले देखने के लिए। सो हेलो गाइज, दिस इज रोहित फ्रॉम रोम्बस रोहित चैनल। सो गाइज, आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम आए जलंधर मोटर्स पे एंड आज के पर्टिकुलर व्लॉग में हम आपको ये सारा स्टॉक दिखाने वाले हैं। एंड आज हमारे साथ है पवी भाजी। कैसे हो भाजी? बढ़िया भाई, आप बताओ। बस बढ़िया भाजी। सो भाजी फिर बताइए आज के ब्लॉग के बारे में कुछ। ट्विन है। ओके, आज का कॉन्सेप्ट भी ट्विन के रखेंगे। ओके, सो गाइज मतलब एवरी कार का ट्विन है, एमजी हेक्टर, बीएमडब्ल्यू X1, CLA एंड मिनी कूपर एक और है वो आगे खड़ी हुई है, सो हम वो भी आपको दिखाएंगे। एंड पाजी जैसे सारी कार फाइनेंस हो जाएगी इजीली? सब 213 वॉट से ऊपर है, बहुत इजीली फाइनेंस हो जाएगी। ओके, सो गाइस सारी कार फाइनेंस हो जाएगी। एंड बाकी अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए किसी भी कार से रिलेटेड, बाकी पाजी का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं ना पाजी? ठीक है। एंड गाइस मतलब मैक्सिमम फाइनेंस की अगर बात करें तो 5 साल मैक्सिमम फाइनेंस होगा। एंड पाजी मतलब फाइनेंस के डॉक्यूमेंट्स का कुछ बताइए। बिल्कुल, आपके सिविल के ऊपर डिपेंड होता है सब कुछ, आपके पेपर्स चाहिए हमें, रिकॉर्ड वगैरह जो आपका होता है, RID वगैरह सब कुछ। ओके, एंड गाइस बाकी पाजी का नंबर डिस्क्रिप्शन में है ही, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आप पाजी से पूछ सकते हैं। सो पाजी फिर वीडियो को स्टार्ट करें? हाँ जी, कहाँ से स्टार्ट करें आप बताइए। सो गाइस हम स्टार्ट करते हैं फिर MG Hector से। सो गाइस फर्स्ट 2 कार्स हम आपको दिखा रहे हैं MG Hector। सो पाजी पहले फिर हम कौन सी दिखाएं, पहले ये वाली दिखाएं? ये वाली दिखाते भैया। सो पाजी कौन सा मॉडल है ये? 2020 मॉडल है, सिंगल ओनर। ओके, HP नंबर का है, पैनोरामिक सनरूफ इसमें, मैनुअल में है ये। ओके, बहुत ही अच्छी कंडीशन में, कोई रीपेंट नहीं और बंपर टू बंपर ओरिजिनल पेंट, ऑल ओरिजिनल है। एंड इसमें 360 डिग्री कैमरा भी है? 360 डिग्री कैमरा भी है इसमें। ओके, सो भाजी और कुछ फीचर्स बताइए। एक पैनोरामिक सनरूफ भी है इसमें, अंदर बैठोगे एक लेडी बोलती है जिसमें क्लाइमेट आपको बताते हैं सब कुछ। हां जी हां जी, वॉइस कंट्रोल वगैरह, वॉइस कमांड वगैरह। एंड एक टेस्ला वाली मतलब टाइप स्क्रीन मिलेगी? टेस्ला टाइप स्क्रीन मिल जाती है, बहुत लग्जरी लुक देती है। हां जी हां जी, ठीक है। एंड गाइस जैसे आप अंदर से भी देख रहे हैं एकदम सुपर फाइन कंडीशन में है। सो भाजी फिर मतलब चली कितनी है ये? ये ड्रिवन 16,000 ड्रिवन है। ओके, 16,000 चली है विद सर्विस रिकॉर्ड जी। ओके, सो भाजी अब इसकी डिमांड की बात करें? आजकल इसके सर 1925 है। ओके, ओवर प्राइस इज नेगोशिएबल। ओके, 19,25,000 एंड बाकी ऑन टेबल नेगोशिएबल है। सो भाजी फिक्स तो नहीं है ना प्राइस किसी भी कार का? सो गाइस किसी भी कार का प्राइस फिक्स नहीं है, सबका नेगोशिएबल है ऑन टेबल एंड स्लाइटली नेगोशिएबल है, ज्यादा नहीं है। हाँ मतलब जो होगा बेस्ट करेंगे हम, टेबल पे बैठ के जो मतलब मैक्सिमम हो जाएगा वो हो जाएगा। एंड पाजी मॉडल आपने 2020 बताया तो मतलब फाइनेंस भी इजीली हो जाएगी? भी हो जाएगा, बहुत इजीली, 5 साल के लिए कह सकते हैं ना? जी बिल्कुल। एंड बाकी डाउन पेमेंट कितनी? सिविल के ऊपर होता है आपका। डाउन पेमेंट कितनी पाजी? 30% आपको डाउन पेमेंट देनी ही पड़ेगी। ओके, 30%, ठीक है। सो पाजी फिर इसके बारे में बताइए। ये 2020 मॉडल है, ये पेट्रोल वेरिएंट है। ओके, न्यू शेप में जिसमें आपने लिखा होता है मॉरिस गैराज। हाँ जी हाँ जी, पेट्रोल में ऑटोमेटिक है ये। ओके, वो मैनुअल थी? ये मैनुअल थी, ये ऑटोमेटिक है। एंड वो डीजल थी? हाँ जी वो डीजल थी। ओके, ये पेट्रोल है। हाँ जी, और ये ड्रिवन फिलव सिर्फ 11,000 ड्रिवन है, जर्मन रिकॉर्ड के साथ, सिंगल ओनर है, सारी सर्विस रिकॉर्ड के साथ है। सो भाजी इसकी डिमांड? इसकी डिमांड भैया 18,50,000 है, वो भी नेगोशिएबल है। 18,50,000 एंड बाकी नेगोशिएबल है ऑन टेबल। एंड ये भी अगेन है, दोनों के कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक मॉडल आगे, बस एक ये ऑटो है। हाँ जी, एंड पेट्रोल है एंड वो डीजल और मैनुअल, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। ओके, ठीक है भाजी। सो गाइज नेक्स्ट 2 कार्स हम आपको दिखा रहे हैं BMW X1। सो भाजी फिर पहले ये सी की डिटेल्स देते हैं। ये 2019 मॉडल है। सो गाइज ये HR51 फरीदाबाद नंबर है। सो भाजी बाकी बताइए। ये न्यू शेप में कार है, इसमें मीटर भी आप देखोगे तो न्यू शेप में है। ओके, सनरूफ, ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल, पैडल शिफ्टर मिल जाते हैं, रोज मिरर मिल जाते हैं आपको। एंड अगेन डीजल वेरिएंट है? डीजल वेरिएंट है, ऑटोमेटिक में है। ओके, टाइप कंडीशन अबव 80% है। ओके, बहुत ही अच्छी कार है, बेज कलर का इसका इंटीरियर, बेज एंड ब्लैक कलर का, व्हाइट कलर की कार, बहुत ब्यूटीफुल। हाँ जी, सो भाजी कॉर्पोरेट वेरिएंट तो नहीं है क्योंकि कॉर्पोरेट में सनरूफ नहीं होता, सो ये टॉप एंड है, टॉप मॉडल है। ओके, ठीक है। सो भाजी X-Drive 20D है जी? ओके, X-Drive 20D है। एंड भाजी इसकी डिमांड? इसकी डिमांड सर हमने रखी है 30 लाख रुपीज, 30 लाख एंड बाकी नेगोशिएबल है ऑन टेबल एंड 2019 मॉडल है, इजीली फाइनेंस भी हो जाएगा। बाकी आपकी प्रोफाइल पर डिपेंड करता है, जितनी अच्छी प्रोफाइल होगी उतना ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस होगा, है ना भाजी? जी, ठीक है। सो गाइस फिर नेक्स्ट फिर से आ गई BMW X1। सो पाजी बताइए इसके बारे में। ये 2017 मॉडल है, UP रजिस्टर, UP 14। अच्छा, इसमें सेम फीचर्स है, सब कुछ सेम है। ओके, जैसे कि डायमंड कट ऑलवेज मिल जाते हैं, जैसे जो प्रीवियस ओनर ने आफ्टर मार्केट लगवाए थे कंपनी से ही। ओके, उसका बिल वगैरह सब कुछ हमारे पास, वो सब प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, सो भाजी चली कितनी है? चली ये भी 40,000 है,
डिमांड इसकी 25 लाख रुपए है, वो भी नेगोशिएबल है। एंड ये भी टॉप एंड है, टॉप मॉडल है, दोनों टॉप मॉडल है। सो मतलब दोनों सेम ही है, ट्विन्स है दोनों। ओके, सो भाजी इसका मॉडल आपने बताया 17। ओके ठीक है, 17 है एंड उसका 19 था। एंड ये भी इजीली 5 साल के लिए फाइनेंस हो जाएगी। एंड भाजी इसकी डिमांड 25। ओके 25 लाख एंड बाकी नेगोशिएबल ऑन टेबल। सो गाइज नेक्स्ट कार आ गई है मर्सिडीज बेंज CLA। सो भाजी बताइए इसके बारे में। कलर में कार स्पोर्टी लुक देती है, ब्लैक कलर की इसको रूफ है, रूफ मिल जाती है, सनरूफ मिल जाती है। ओके 2018 रजिस्टर मॉडल है, पैडल शिफ्टर, अगेन डुअल क्लाइमेट कंट्रोल, रेड कलर में डायमंड कट अलॉय व्हील्स 17 इंच के। बहुत अच्छी कार है, यूके रजिस्टर, UK 07 देहरादून का नंबर, देहरादून। ओके कार की डिमांड हमने सिर्फ 25 लाख रखी है। ओके 25 लाख एंड बाकी नेगोशिएबल है जी, ऑन टेबल। ठीक है, सो भाजी इसका मॉडल 2018 है, न्यू शेप। ओके ओके 18 है न्यू शेप में, एंड ये तो भाजी ओल्ड शेप है, थोड़ी ओल्ड शेप में आ गया, डिफरेंस तो खुद ही से हां जी, लाइट का डिफरेंस आ गया। हां जी, सो भाजी फिर इसके बारे में बताइए। ये भी सर सेम और सेम फीचर्स है, 2016 मॉडल है ये। ओके 50,000 चली हुई है, जर्मन रिकॉर्ड के साथ, सिंगल ओनर है ये, डिलीवरी नंबर रजिस्टर है, डीजल की है, ऑटोमेटिक वही सब चाहिए। बेज कलर इंटीरियर उसका ब्लैक कलर का था। ओके सो गाइस ये व्हाइट एंड बेज के उसमें, एंड ये रेड एंड ब्लैक के उसमें। ओके आस्किंग प्राइस इसकी सिर्फ 18 लाख रुपए है, 18 लाख एंड बाकी नेगोशिएबल है। एंड पाजी मॉडल आपने बताया 16 एंड अगेन ये भी इजीली फाइनेंस हो जाएगी। सो गाइस नेक्स्ट हम आपको दिखा रहे हैं मिनी कूपर डी। सो इसमें एडिशनल टायर्स लगवा रखे हैं आफ्टर मार्केट, है ना? यस ही आते हैं, ये भी कंपनी से फिटेड है। अच्छा कंपनी से ही फिटेड है, चार्जेस देख के ये इस शेप के लिए गए। ओके एंड अलॉय व्हील्स भी कंपनी फिटेड है। कंपनी फिटेड है। ओके सो पाजी बताइए इसके बारे में। 2013 मॉडल, डीजल में है, ये भी सिंगल ओनर कार है। ओके अपना 46,000 किलोमीटर चली हुई है, जर्मन रिकॉर्ड से। एंड गाइस HR05 नंबर है, करनाल का नंबर है। हां जी बहुत अच्छी कार है, सिंगल ओनर, बहुत कम ड्रिवन है, 46,000 मॉडल के हिसाब से देखा जाए तो 46,000 चली हुई है जर्मन रिकॉर्ड के साथ। ओके इसकी आस्किंग सिर्फ 15 लाख है, हाउएवर प्राइस आल्सो नेगोशिएबल। एंड गाइस इसमें भी पैनोरामिक सनरूफ आ जाता है। एंड बाकी बाजी ये जो स्ट्राइप्स हम देख रहे हैं तो कंपनी से ही आती है ना? ये आफ्टर मार्केट लगे हुए। अच्छा आफ्टर मार्केट है। सो भाजी मॉडल आपने बताया 2013 मॉडल है। सो भाजी ये फाइनेंस हो जाएगी? जी फाइनेंस हो जाएगी, तो अगर होगी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होगी, 1 से 2 साल कह सकते हैं जी। एंड बाकी गाइस आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। एंड डीजल वेरिएंट है? डीजल वेरिएंट है। सो भाजी इसकी डिमांड? इसकी प्राइस 15 लाख सर। ओके 15 लाख एंड बाकी नेगोशिएबल ऑन टेबल। सो गाइस नेक्स्ट फिर से हम आपको दिखा रहे हैं मिनी कूपर डी। सो भाजी बताइए इसके बारे में। ये सेम आपको 2013 मॉडल है, सेकंड ओनर कार है, पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है, ये सेम डिटेल है, ये पेट्रोल में है। ओके सो भाजी बाकी बताइए। हाँ जी बाकी बताइए। इसके अलावा भी सब देख सकते हैं, ओरिजिनल लगे हुए हैं। ओके कंपनी से ही जो आते हैं, कंपनी से लगे हुए हैं, उसके भी कंपनी से लगे हुए हैं पर एक्स्ट्रा चार्ज लेके उस डिजाइन के लिए हुए हैं। हाँ जी ठीक है, ये 13 मॉडल है, ये कुछ 60,000 चली हुई है, सेकंड ओनर है। सो गाइस बाकी HR26 नंबर है, गुड़गांव नंबर है, है ना? हाँ जी ठीक है भाजी। सो भाजी इसकी डिमांड? इसकी डिमांड सर 14 लाख 50 हज़ार, 14 लाख 50 हज़ार एंड बाकी नेगोशिएबल ऑन टेबल। ठीक है सो गाइस नेक्स्ट कार हम आपको दिखा रहे हैं मर्सिडीज बेंज GL 350 CDI मेघालय नंबर में। सो भाजी बताइए इसके बारे में। ये 2016 मॉडल है, न्यू शेप में है, बहुत ही मतलब बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत जनमन है, स्ट्रॉन्ग कार है ये, 1 लाख किलोमीटर चल रही है, जर्मन रिकॉर्ड के साथ है सारी गाड़ी। ओके पैनोरामिक सनरूफ, पैडल शिफ्टर, मतलब कोई फीचर ऐसा नहीं जो गाड़ी में ना हो। एंड भाजी मॉडल 2016 16 मॉडल है। एंड भाजी बाकी मतलब जैसे मेघालय तो स्टेट ट्रांसफर तो हो जाएगा ना? जी बिल्कुल, एनओसी वगैरह सब मिल जाएगा, तो वो सब आप ही प्रोवाइड करोगे? जी प्रोवाइड करोगे। ठीक है सो गाइस बाकी मतलब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आप भाजी हैंडल करेंगे, एंड थोड़ा मतलब उसके चार्जेस होते हैं वो तो कस्टमर ही बेयर करेगा, कस्टमर को बेयर करना पड़ेगा। ओके ठीक है, बाकी पेपर वर्क पूरे कंप्लीट रहेंगे, पूरी क्लियर रहेंगे। ओके ये भी सारी बंपर, सारी गाड़ी ओरिजिनल पेंट की है। ओके ये भी रीपेंट नहीं है। ओके ये भी ऑल ओरिजिनल है गाइस। सो भाजी इसकी डिमांड आपने बताई? सर 39 लाख, 39 लाख एंड बाकी नेगोशिएबल ऑन टेबल। ठीक है भाजी डन। सो गाइज आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में कौन कौन सी कार्स देखनी है। सो भाजी फिर बताइए नेक्स्ट व्लॉग में कौन कौन सी कार्स दिखाओगे? सरप्राइज है, आइए आपको सरप्राइज देंगे। ठीक है सो गाइज नेक्स्ट व्लॉग का वेट करिए, हम बहुत ही जल्द लेकर आने वाले नेक्स्ट व्लॉग, है ना? ठीक है सो गाइज आज के लिए गुड बाय।